अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब ज़ारदस्त न्यूज के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे नर्सिंग के एडमिशन्स के बारे में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से अनाउंस की गई हैं। इसमें आप लोग मेल्स और फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से एडमिशन है और इसमें आपको महाना 31,000 रुपये वजीफ़ा भी दिया जाएगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपने वीडियो को गौर से देखना है, इसको एंड तक देखना और स्किप नहीं करना है। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आपको ऑथेंटिक अपडेट्स जो हैं वो बर वक्त मिल सकें। तो सिंपली आपने आ जाना है गूगल पर, यहाँ पर सर्च करना है जॉब बाजार, ऐसे सर्च करना है गूगल पे, और ये जो पहली वेबसाइट है जॉब बाजार डॉट इन्फो, इसको आपने ओपन कर लेना है। जो अब यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे लेटेस्ट जॉब्स इन दिस वीक, और यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे PS नर्सिंग एडमिशन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो डिटेल है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, आप इस इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं, और यहाँ पे इसका एडवर्टाइजमेंट भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो हम इसको एक्सप्लोर करते हैं और डिटेल से आपको बताते हैं, बस आपने समझना है और गौर से देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नर्सिंग सर्विसेज पंजाब, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एडमिशन्स हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए। 4 साल नर्सिंग प्रोग्राम है, BS नर्सिंग जेनेरिक, और इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट दोनों की है। इसमें टोटल जो सीटें हैं वो 3,000 हैं, ठीक है, 3,000 टोटल सीटें हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कहाँ पे कितनी सीटें हैं और किस में गर्ल्स कर सकती हैं और किस में बॉयज़ कर सकते हैं, सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले अच्छा बॉय और जो है ना, इसमें मॉर्निंग और इवनिंग दोनों लिखा हुआ है कि किस हॉस्पिटल में कितनी इवनिंग है और कितनी जो है वो मॉर्निंग है। ओके जी, यहाँ पे सबसे पहले है मेयो हॉस्पिटल लाहौर, इसमें 100 इवनिंग और मॉर्निंग, और उसके बाद गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर है, इसमें भी 100-100 हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये कौन सा है, जनरल हॉस्पिटल लाहौर, और उसके बाद यहाँ पे अलंगवाल मेडिकल कॉलेज लाहौर, और उसके बाद यहाँ पे हॉली फैमिली रावलपिंडी, बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी, अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद, निश्चल हॉस्पिटल मुल्तान, बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर, और इसके बाद सर्सिस हॉस्पिटल लाहौर है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर है, अलंगबार मेमोरियल हॉस्पिटल सियालकोट है, और उसके बाद यहाँ पे DHK उडेरा गाजी खान, DHK मुजफ्फरगढ़, शेखजायद हॉस्पिटल रहीम यार खान है, टीचिंग हॉस्पिटल शाहदरा लाहौर है, और उसके बाद यहाँ पे DHK अटक, बहावल नगर, भक्खर, चकवाल, फैसलाबाद DHK है, आईकम जनरल हॉस्पिटल THQ गोजरा है, और उसके बाद यहाँ पे जो है वो इन सब में जो अभी आपको बताया, इन सब में जो है वो 100-100 हैं, और बाकी DHQ अटक, बहावल नगर और भक्खर में 50-50 हैं, सही है। उसके बाद यहाँ पे ये आपने ख़ुद भी रीड कर लेना है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट है DHQ गुजरांवाला अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल गुजरात है, DHQ हाफसाबाद, DHQ जहंग, जेलम, कसूर, खानीवाल, खुशाब, लिया, लोधरा और मंडी, बहावलद्दीन, मियाँ वाली, नारोवाल, उकाड़ा पाक, पतन, राजनपुर, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा और शेखुपुरा और टोबर टैक्सिंग और विहाड़ी, सही हो गया। तो ये सारी ऑलमोस्ट तमाम हॉस्पिटल्स हैं, सही है। तो अब यहाँ पे तमाम ये जितने भी हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स आपको बताएं कितने हैं, ये हैं 44 हॉस्पिटल। 44 में से 43 हॉस्पिटल में फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं, और बॉयज़ जो हैं वो सिर्फ एक हॉस्पिटल में अप्लाई कर सकते हैं, वो है टीचिंग हॉस्पिटल शाहदरा लाहौर, ठीक है। इसमें सिर्फ बॉयज़ कर सकते हैं और इसमें गर्ल्स अप्लाई नहीं कर सकती हैं, ठीक है, इसमें सिर्फ बॉयज़ कर सकते हैं, और बॉयज़ किसी और हॉस्पिटल में नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इसी हॉस्पिटल में बॉयज़ कर सकते हैं, और गर्ल्स इस हॉस्पिटल में नहीं कर सकती हैं, बाकी हर हॉस्पिटल में कर सकती हैं, सही हो गया। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं इसके क्राइटेरिया की, ठीक है। तो यहाँ पे देखें भाई, आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो कम से कम FSC प्री मेडिकल होनी चाहिए, FSC प्री मेडिकल पास हो आप, 50% हो आपकी, 50% नंबर हो। ओके, अब यहाँ पे मेरिट कैसे आपका बनेगा, मेरिट भाई सिर्फ और सिर्फ आपके FSC प्री मेडिकल मार्क्स भी बनेगा। अगर ऐसा होता है कि दो बंदे जिनके FSC प्री मेडिकल में मार्क्स सेम हो जाते हैं, तो फिर मैट्रिक के भी साथ मिला के इसका मेरिट कंबाइन किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसमें जो है आपको बताया, फीमेल सभी में अप्लाई कर सकती हैं, सिर्फ शाहदरा हॉस्पिटल में नहीं कर सकती हैं, और बॉयज़ सिर्फ शाहदरा में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एज की बात करें तो भाई कम से कम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और 35 साल से ज़्यादा एज ना हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल है, और उसके बाद कम से कम इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके जी, उसके बाद यहाँ पे कोई और ख़ास इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपके पास पंजाब का डोमिसाइल होना ज़रूरी है, ठीक है, और पंजाब के आप बिलोंग करते हो पंजाब से। ओके जी, यहाँ पे अब इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो अभी से अप्लाई स्टार्ट है, और लास्ट डेट जो है 30 नवंबर है, 30 नवंबर तक आप लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी 500 रुपये चलान फ़ीस है, जो
जो कि आपको पे करनी है, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको कौन सी चीज़ें यहाँ पे चाहिए, आपने जो है ना वो अपने ओरिजिनल या अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास अटेस्टेड डॉक्यूमेंट नहीं है तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मतलब मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, आईडी कार्ड और ये इनकी पिक्चर खींच के ना आपने ये आपने अपलोड करनी है, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ और इसमें आपको वजीफ़ा दिया जाएगा भाई, 31,470 रुपये आपको महाना वजीफ़ा दिया जाएगा, ये आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप प्रेफरेंसेस में आप हॉस्पिटल्स जितने हॉस्पिटल सेलेक्ट करना चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं मॉर्निंग और इवनिंग में। ओके जी, उसके बाद यहाँ पे जो है वो 30 नवंबर लास्ट डेट है और 500 रुपये इसकी फ़ीस है। अब इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, 30 नवंबर का आपको पता चल गया है, आप काफ़ी लोग पूछेंगे लास्ट डेट तो मैंने बता दी है। ओके, आप यहाँ पे देखिए, हमने इस पे जॉब्स जॉब्स खैर इसको क्या कहते हैं एडमिशन्स आई थी अप्रैल मार्च अप्रैल में आई थी, तो हमने इस पे कंप्लीट वीडियोस बनाई थी अप्लाई करने की, तो ये दो पार्ट्स में वीडियोस हैं, आप ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे आपको कोई इश्यू नहीं आएगा, आप इनको चेक कर लें, ठीक है, और यहाँ पे आप इनको देख के वीडियोस को आप ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपको फ़ोटोज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आप यहाँ पे अपने फ़ोटो को कंप्रेस कर सकते हैं, अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताएं, अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं ऑनलाइन तो आपका ऑथेंटिक वे में अप्लाई हो जाएगा, आप यहाँ पे हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर है, आप यहाँ पे इसको चेकआउट कर सकते हैं, अप्लाई फ़ीस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप अगर आप हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो हम भी आपका अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट टाइम भी हमने काफ़ी कैंडिडेट्स का अप्लाई किया था, तो आप हमसे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप ख़ुद करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, हमने आपके लिए ही वीडियोस बना के रखी हैं ताकि आप ख़ुद अप्लाई करें, आपको कोई इशू ना हो, तो आप यहाँ पर चेक करके आपको स्टेप बाई स्टेप सारी गाइडेंस मिल जाएगी। बाकी ये इंपॉर्टेंट लिंक्स जो हैं ये आपके लिए काम किए हैं, ठीक है, आपको फ़ोटो कंप्रेस करना पड़ सकता है तो ये के लिए आपके लिए हेल्पिंग लिंक है, आपको अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज करना है वो भी आपके लिए हेल्पिंग लिंक है, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर लें, या फिर हमसे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इच्छा की वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।